अस्सलामु अलैकुम, हसी जुल्फी टीवी में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में आपको सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल की जौजा मोहतरमा अर्तुगरुल गाजी की बहू बाला खातून के बारे में बताएंगे। बाला खातून, जिनका पूरा नाम बाला राबिया खातून है, तारीख की किताबों में इन्हें माल खातून के नाम से भी पुकारा गया है, मगर ये भी लिखा गया है कि माल खातून गाजी उस्मान की दूसरी बीवी थीं, जो उमर अब्दुल अजीज बे की बेटी थीं। मगर कुछ मोरखीन ने माल खातून को ही बाला खातून कहा है। आज की वीडियो में बाला खातून के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि बाला खातून का किरदार तुर्की की किस अदाकारा ने अदा किया और अदाकारा की लाइफस्टाइल और इनकी जिंदगी के दिलचस्प पहलुओं पर बात करेंगे। प्यारे दोस्तों, वाकया कुछ यूं है कि अबतरूनी नाम के गांव में एक बुजुर्ग हस्ती और एक दरवेश आलिम रहा करते थे, जिनका नाम तारीख की किताबों में ओबाली या अदाबाली लिखा है। उस्मान नौजवानी के दिनों में अक्सर इनके पास जाया करते थे। एक दिन वहाँ उस्मान और ओबाली की बेटी ने एक दूसरे को देखा तो इन दोनों को आपस में मोहब्बत हो गई। उस्मान ने ओबाली से इनकी बेटी बाला खातून से शादी करने की ख्वाहिश का इजहार किया तो इन्होंने इनकार कर दिया। इनकार की वजह ये थी कि ओबाली फकीरी में और दरवेशाना जिंदगी बसर करने वाले आदमी थे और उस्मान गाजी कबीले के सरदार थे, तो इन्होंने ये सोच